चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा जानू 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 क्या कर रही हो फोन पे गेम खेल रही हो ना भी जानू तुम कुछ करती क्यों नहीं हो करती क्या मतलब नहीं हूँ अरे कैंडी क्रश के 400 लेवल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और क्या करूँ मेरा मतलब ये है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करती हो तुम्हारे मुँह से बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती नबील हाँ मेरे अलावा इस घर में काम करता ही कौन है माँ जी एक जमाने में खाना बनाती थी फिर उन्होंने नमक की जगह चीनी और गरम मसाले की जगह हल्दी डालनी शुरू कर दी जान के जान छुड़ा दी ओ मैं इन फजूल घर के कामों की बात नहीं कर रहा जानू इन कामों के लिए तो हम कोई भी नौकर खान सामा वगैरह रख सकते हैं व्हाट हाँ जानू अभी जहर खाने के पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास तो नौकर और खान सामे कहाँ से रखोगे जानू मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो सकती है अच्छा हाँ जानू फिर हमें तुम्हारे पापा से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा क्या प्लान है नबील जानू मुझे लगता है कि अब तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए क्या जानू इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी हो अंग्रेजी बोल लेती हो कपड़े भी अच्छे पहनती हो और तुम्हारा मियाँ भी खुददार नहीं है फिर तुम्हें नौकरी करने में क्या प्रॉब्लम शर्म नहीं आती नबील जानू मुझे तो वाकई बड़ी शर्म आती है इसलिए तो मैं तुम्हें नौकरी करने का बोल रहा हूँ यार शट अप नबील बजाय खुद नौकरी ढूंढने के अपनी बीवी को नौकरी का मशवरा दे रहे हो जानू मैं क्रिएटिव आदमी हूँ जीनियस हूँ जीनियस मेरे जैसे आदमी जो होते हैं वो नौकरी करने के लिए नहीं पैदा होते तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा क्रिएटिव काम किया नबील जानू मैंने कभी नौकरी नहीं की इससे ज्यादा क्रिएटिव क्या हो सकता है व्हाट मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता हूँ जानू मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मेरी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है जो मुझे घर बैठ के मिलती है तुम अपने आप को आमिर खान समझते हो अपनी शक्ल देखी आईने में मुझे सब पता है फैसलाबाद में सस्ता वाला थिएटर करते थे जवानी में शट अप जी मेरा नाम रिजवान है और ये मेरी बीवी है सायमा हमारी नई नई शादी हुई है इसका मुंह कहाँ है आपने मीठा कराना है नजर नहीं आ रहा इसलिए पूछ रही हूँ आपने इतना मोटा चश्मा लगाया हुआ उसके बाद भी नजर नहीं आ रहा ओए मुझे इसका मुंह नहीं नजर आ रहा कहाँ है इसका मुंह वो अंदर है हमारे घर में जी ना इसका मुंह हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है वो आपके घर के अंदर नहीं जी पर्दे के अंदर है हाँ जी असल में ही ना पर्दे वाली है ओ अच्छा अच्छा नहीं भाई नहीं हमारे घर में पहले ही पर्दे लगे हुए हमें नहीं चाहिए नहीं जी नहीं मेरा मतलब है मेरी बीवी पर्दा करती है इसीलिए तो मुंह छुपाया हुआ है इसने ना तो तू हमारे दरवाजे पे ये बताने आया है और नहीं जी मैं तो ये पूछने के लिए आया था कि आपके घर में कोई कमरा है रहने के लिए और पागल के पुत्र हमारे घर के अंदर ना कमरे हैं तू क्या समझ रहा है हमने अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है वो जी असल में हमें एक कमरा चाहिए किराए पर और हम तो खुद किराए पे रहते हैं देखिए आंटी हम बहुत मजबूर हैं सिर्फ 4-5 दिन की बात है आप जितना किराया बोलेंगे ना हम दे देंगे आपको ओए तो मुझे वो देने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या वो जो पुलिस वालों को देते हैं वो मैंने आपको गाली कब दे दी आपके कमरे हैं माँ जी दरवाजे पे कौन था पता नहीं पुत्र कोई दूल्हा दुल्हन थे मुंह उठा कर आ गए हमारे घर हाँ उन्हें कमरा चाहिए था किराए पे तो आपने क्या कहा मैंने उनको दफा कर दिया मैंने कहा हमारे बच्चों के रहने की जगह नहीं है दफा मारो आओगे कमरा चाहिए अच्छा माँ जी अच्छा आप जाए मैं देखता हूँ दूल्हा दुल्हन मैं देखता हूँ कौन आ गए हाँ जी देखिए जी हम बड़े मजबूर हैं प्लीज हमारी कुछ मदद कर दे आप ओए शर्म नहीं आती तुम्हें हट्टे कट्टे हो बल्कि इतने मोटे हो और इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा पूरा प्लाजा बन सकता है तुम्हारे मुंह पे और तुम भीख मांग रहे हो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ जी कमरा मांग रहा हूँ क्या किराए पर ओ तो वो तुम हो हाँ जी हाँ मैं आप लोग को मुंह मांगा किराया दूंगा और तुम्हें हमारे मुंह का नहीं पता हम कुछ भी मांग लेंगे और महमूद साहब का तुम्हें आइडिया ही नहीं है माशाल्लाह जितना बड़ा मुंह है ना उनका उतना ही बड़ा किराया मांगेंगे वो मैं दे दूंगा जी एक हफ्ते का 20-40 हजार रुपए तो दे ही दूंगा मैं क्या
हाँ जी, हमें बस एक कमरा चाहिए किराए पर। वो जो तू एक हफ्ते का देगा वो 30-40 हजार किराया होगा। जी जी ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरी बीवी से बात करना होगी। लाइन नंबर दे उनका। ओ भाई, नंबर की क्या जरूरत है, अंदर आके बात कर ले। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मेरी बीवी सायमा है। इन्होंने तुमसे शादी के बाद मूंछ मारना शुरू किया है। माशाल्लाह, आपकी बेगम बड़ा सख्त पर्दा करती है। हाइट भी अच्छी खासी है। आज वो जानू 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 जी। वो अपनी बीवी को बुला रहे हैं। क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? ऐशा बशी, तूने इन दोनों को घर में घुसा लिया? कौन है ये लोग नबील? जानू ये मजबूर है। मजबूर? यार महमूद साहब, इन्होंने ना नई नई शादी की है, इनके पास रहने की जगह नहीं है। ये हमारे पास ना एक कमरा किराए के लिए लेने आए हैं। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे नबील पागल हो गए हो तुम क्या? अरे हमारे घर में कमरा है ही कहाँ, और अगर है तो उसमें रहने की जगह कहाँ है? हाँ, ये कमरे में होते हैं तो आधा कमरा इनका मुंह ही घेर लेता है। ठीक कह रही है माँ जी, इनके मुंह से कमरे में हब्स तो हो जाता है, लेकिन ये लोग बहुत मजबूर है। अरे अगर मजबूर है तो हम क्या करें भाई, हमने इनका ठेका ले रखा है, धर्मशाला खोल रखी है यहाँ पे। महमूद साहब, ये हमें एक हफ्ते का 40,000 रुपया देंगे। भाई हमें इनकी मदद करनी चाहिए खूबसूरत। What? हाँ भाई, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है ना। फजूल की बातें मत करें आप लोग, और आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, हमारे पास कोई कमरा वमरा नहीं है। प्लीज हमारी हेल्प करें, मैं अपनी बीवी को लेके कहाँ जाऊँगा? आप इस मासूम को देखे तो सही जरा। हाँ, दिखाओ दिखाओ। कहाँ जाओगे मतलब? भाई किसी होटल में जाकर रहे, इतने पैसों में तो अच्छा खासा कमरा मिल जाएगा। नहीं जी, वो लोग हमें सबसे पहले होटलों में ही ढूंढेंगे जाके। कौन लोग? वो जी, मैं आपको ना सारी बात शुरू से बताता हूँ। जो तुम हमें शुरू से बताओगे वो सारी बात होगी। हाँ जी, आप भी बाहर लॉन में चलते हैं, जरा लोकेशन भी चेंज हो। हाँ, लोकेशन आज 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 आज। यार ये घुट घुट मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कहानी शुरू करो। वो जी असल में ना हम दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ना घर से भाग के शादी की है जी। क्यों, टैक्सी का कराया नहीं था तुम लोगों के पास? अरे तुम तो चुप करो यार। वो जी हमारे घर वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले शहर के होटलों में जाएंगे। उन्होंने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया जी पैसे देकर। जानू मुझसे अब इनकी कहानी और नहीं सुनी जा रही, मुझे रोना आ रहा है जानू। Shut up, Nabil. Okay, जानू। हमारे घर वाले बहुत जालिम है जी, वो हम दोनों को जान से मार देंगे। अरे भाई हम आपको अपने साथ घर में नहीं रख सकते। और देखे जी, हम आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहते, बस 2-3 दिन की बात है, हमारा दुबई का वीजा आ जाएगा, फिर मैं और सायमा ना दुबई। और तू अपनी बीवी को हमारे घर छोड़ के जाएगा? ओ माँ जी, सायमा इसकी बीवी का नाम है। कितना प्यारा नाम है। लेकिन हम आपको मुंह मांगा किराया देंगे। जानू अब मान भी जाओ ना यार, खुदा का वास्ता घर में राशन डल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों का वीजा आ जाएगा आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। सायमा भाभी के गले तो लगो। नहीं नहीं बस ठीक है। ले भी इसी बात पे हम मुंह दिखाई हो जाए। चले दे अब मुंह दिखाई। जीती रहो। माँ जी आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगी, आप दोनों महमूद साहब के कमरे में रहेंगे। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, मैं सोते में थोड़े थोड़े खराटे लेता हूँ। महमूद साहब आप और नबील लाउंज में सोएंगे। क्या? वो जहाँ हम सोएंगे वो लाउंज होगा? हाँ जी। अच्छा जी, आए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, आए उठे चले। आप ही बैठे रहे। बहुत ही डांटना शुरू कर दिया है मोमो ने मुझे। यार नबील, मुझे लगता है इस शख्स की बीवी बहुत ही हसीन है, अरे तभी तो उसका चेहरा नहीं दिखा रहा। मैं मूसा, खुदा का नाम आने कुछ तो शर्म करें यार, आपकी नवासियों जितनी वो लड़की है यार, और आप उसको ये कह रहे हैं। मैं दरवाजा लॉक कर दिया। हाँ कर दिया। अबे यार इतनी गर्मी में मुंह पे पर्दा डाला हुआ था। अबे ऐसी पर्दे की वजह से बचत हुई है, अगर ये ना होता ना तो वो ठहरने देते हमारे को यहाँ पर। अबे वो सब तो ठीक है, मगर ये साला बुड्ढा बहुत ही बड़ा कोई थरगी है, बहाने बहाने से करीब आने की कोशिश कर रहा था। अबे तो तुझे किस बात की टेंशन है, तू कौन सा सचमुच की लड़की है बे? अरे तो क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? देख मेरे भाई, कुछ ही दिनों की बात है, मामला जरा ठंडा हो जाए हम दोनों दुबई चले जाएंगे। हाँ इस बार तो कोई बहुत ही बड़ा हाथ मारा है हमने। मैं सोच रहा हूँ दुबई जाते हुए कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ चल देख लेते हैं, तू अभी एक काम कर, ये सारा माल छुपा दे कहीं, और बात सुन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों चोर हैं। अरे भाई के टैलेंट पे शक है क्या? नहीं
ये चीज छुपा इसको। चले यार मामू साहब, शुक्र है इस महीने का खर्चा तो निकला। वो जो इस महीने का निकला है वो खर्चा है। हाँ जी। अच्छा जी, क्या सोच रही हो मोमो? मैं सोच रही हूँ उस लड़की के हाथ में ये मोटा कड़ा सोने का और एक सोने की चेन भी थी। उस लड़की के हाथ में कड़ा और सोने की चेन भी थी। ओ मामू साहब, आपकी नजरें उसके चेहरे से हटे तो आपको उसका हाथ नजर आए ना। अरे तो उसका कौन सा मुंह देख लिया मैंने? ना उसका मुंह देखने से पहले आप अपना मुंह तो देख ले। जानू तुम क्या सोच रही हो? नबील, मैं सोच रही थी कि हम किसी मुसीबत में ना आ जाएं। कैसी मुसीबत जानू? यार कहीं किसी ने उन दोनों को हमारे घर के अंदर आते ना देख लिया। ओ जानू टेंशन ना लो, इसकी टेंशन ना लो, तुम सिर्फ इसकी टेंशन लो कि तुमने 40,000 रुपया मुझ पर कैसे खर्च करना है। शराब नबील। ओके जानू। नबील, क्या उस लड़की के घर वाले तो नहीं आ गए? अरे उसका घर वाला तो अंदर है यार। मेरा मतलब है उस लड़की के घर वाले यहाँ तक तो नहीं आ गए उसको ढूंढते हुए। जानू डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जाए मैं मुसाफ, देखें बाहर कौन आए। मैं क्यों जाऊं भाई? अरे तुमने उन दोनों को घर में पना दिया, तुम जाओ। वैसे हद होती है बुजदिली की मामू साहब, बंदे को अब इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए यार। जा फिर जाके देखो दरवाजे पे कौन है। तबाह कर रहे हैं यार, चला जाएगा खुद ही थक हार के यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील, इस तरह तो जो भी होगा उसको शक हो जाएगा। जाओ जाकर देखो। ठीक है जानू। जाओ देखो। देखता हूँ। जाओ, डर क्यों रहे हो? जा रहा हूँ। जाओ जा। कौन? और मैं हूँ बटर। आइए आइए बट साहब, आइए, क्या हाल चाल है, खैरियत से? और आप लोग ऐसे ही डर गए थे यार, ये तो अपने बट साहब है। बट साहब बड़े दिनों बाद चक्कर लगाए। आज वो बट साहब, आज वो साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत है? और सुनाए घर में सब खैरियत है ना? और यार घर की बातें ना किया करो, वैसे ही मैं घर से बेजार हूँ। तीन शादियां करने के बाद ही। और बताएं बट साहब, चाय वाय तो नहीं पियेंगे ना? नहीं भाई नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ अभी। बट साहब कैसे ड्यूटी? किसी को ढूंढ रहा हूँ। वैसे फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए। जी क्योंकि यहाँ आपको कोई मिलेगा ही नहीं है। कैसा खबर? बहुत बुरा। किसको ढूंढ रहे हैं बट साहब? दो लोग पुलिस से भाग रहे हैं, उन्हीं की तलाश में हूँ। आखिरी इत्तला के मुताबिक वो इसी मोहल्ले में आए। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। बस एक लड़का लड़की आए थे। पड़ोस से मिठाई लेके। अब कैसा कफर किया? देखो भाई, तुम लोगों के घर में अगर कोई आए ना तो मुझे इत्तला दे देना, मेरे ऊपर का बहुत प्रेशर है, मेरी नौकरी का सवाल है। बरसा फिक्र न करें, अगर कोई आया तो हम आपको फोन करके इत्तला दे देंगे। हाँ, उस कमरे में उसे बंद कर देंगे। ये कौन था? ये रीमा। रीमा? रीमा? नहीं, साहब वो साइमा। साइमा कौन? साइमा खूबसूरत की कजन है, लाहौर से आई है। तो मुझे देख के ये भाग क्यों गई? पर्दा कर दिए। पर्दा? अच्छा। हाँ, खूबसूरत की फैमिली में सब लड़कियां पर्दा करती हैं सिवाय खूबसूरत से, है ना जानू? शराब नबील। ओके जानू। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर तुम लोगों को उन दोनों भगोड़ों के बारे में कुछ भी पता लगे ना तो मुझे फौरन इत्तला। हाँ जी हाँ जी बट साहब, बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे इत्तला, बिल्कुल कर देंगे इत्तला। बच गए। अबे जल्दी बाहर आ जा। आ रहा हूँ यार, थोड़ी देर रोक नहीं सकता क्या? अबे मेरा तो पहले ही रुका हुआ है, तू जल्दी रोक के आ जा बाहर। मुसीबत पड़ गई, चल जा। कहाँ? वॉशरूम। अबे मुझे वॉशरूम थोड़ी जाना है। अबे तो फिर दरवाजा क्यों बजा रहा था? इसलिए कि बाहर पुलिस आई हुई है। क्या? हाँ, लाउंज में। अबे मारे गए। अबे मुझे तो पहले ही शक था, साले हम दोनों को मरवाएंगे। अब भाग यहाँ से। अबे एक काम करते हैं, ये माल यहीं कहीं छुपा देते हैं, बाद में आके ले जाएंगे। पकड़े गए तो कम से कम माल तो बच जाएगा। हाँ ये ठीक है, माल के साथ पकड़े गए तो लंबे जाएंगे। हेलो
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं लोग? ओ जानू, हो सकता है रेस्ट कर रहे हो, इनकी नई नई शादी हुई है ना। अब वो जो ये लोग कर रहे हैं वो रेस्ट होगा। हाँ जी। अच्छा जी, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मुझे अभी भी पड़ोसियों ने बताया कि वो दोनों तुम्हारे घर में आए थे। शर्म नहीं आती तुमको चोरों को अपने घर में छुपाते हुए? चोर? अरे हाँ, एसपी साहब के घर में चोरी करके भागे थे, वो दोनों आदमी थे। पर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, उनमें से एक औरत थी। हाँ, वो तो दोनों मियाँ बीवी थी जिन्होंने भाग के शादी की थी। अरे दिमाग खराब है क्या, वो दोनों चोर थे, भेष बदल के फिर रहे थे। क्या इसका मतलब है कि इतनी देर से मैं एक आदमी को छेड़ रहा था? बट साहब आप फिक्र नहीं करें, वो दोनों अंदर इस कमरे में है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? और हमने उन्हें लॉक कर दिया है। जल्दी से दरवाजा खोले। नहीं, वो हमने उन्हें अंदर से लॉक किया है ना। है बट साहब, वो दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे। इससे पहले कि वो दोनों भाग जाए हमें दरवाजा तोड़ना होगा। जो हमें तोड़ना होगा वो दरवाजा होगा। हाँ जी, आ जाओ जी। कहाँ गए? लगता है वो दोनों खिड़की से बाहर छलांग मार के भागे। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं देखता हूँ। इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ओ जानू, हमारे 40,000 का नुकसान हो गया है यार। 40,000 को गोली मारो, पहले कमरे की तलाशी लो, कहीं हमारी चीजें ना चोरी करके भाग गए हो। नबील, अरे ये देखो, ये तो वही बैग है जो वो अपने साथ लेकर आए थे। हाँ महमूद साहब, ये वही बैग है। उधर देख, इसमें है क्या? देखो देखो, खोल के देखो ना, खोल के। ओ जानू, इसमें तो बहुत सारे जेवर और पैसे हैं। क्या? हाँ, वो लूटा हुआ सामान छोड़ के भाग गए हैं। देखा नबील, हमारी नियत ठीक थी ना, इसीलिए हमें फायदा हुआ। ओ महमूद साहब, 40,000 के बदले 40,00,000 का सोना। ये आपने इन दोनों को पकड़ लिया है? हाँ, और इनके पूरे गैंग को भी। बट साहब, इनका गैंग भी था? हाँ, बहुत बड़ा गैंग था, लोगों को बेवकूफ बनाकर इनकी मदद से लोगों को लूटा करते थे। बट साहब, ऐसे घटिया लोगों को तो पकड़कर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देना चाहिए। वही तो करने आया हूँ, गिरफ्तार करो पूरे गैंग को। गैंग? हाँ। क्या आप मुझे ताड़ना बंद करेंगे प्लीज? अरे कमाल है, आपके मुंह से अपनी बेइज्जती भी बुरी नहीं लग रही, ये फन कहाँ से सीखा आपने? हेलो, क्या कर रहे हैं महमूद साहब? नबील, मैंने सुना था कि दुबई की लड़कियाँ बहुत बोल्ड होती हैं। जी अंकल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अबे ओ, हाथ छोड़ इसका। क्यों भाई, आप इन्हें मेरे हाथ छोड़ने क्यों बोल रहे हैं? अबे मैं उसे नहीं, तुझे हाथ छोड़ने का बोल रहा हूँ। मुमताज, तुम्हारे अब्बा हैं क्या? मामा की डेथ के बाद से तो पापा जैसे हंसना ही भूल गए हो। तो इसलिए तुम उन्हें बुलबुले में लेकर आ गई? हाँ, तो तूने देखा नहीं तेरी सास को देख के पापा कितने एक्साइटेड हो गए थे? लेकिन ये तो मेरा कमरा है। लेकिन मैं तो आपकी नहीं हूँ ना। हो भी सकती है, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। हो सकता है आने वाले हो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? पुत्र, ये वो मेरे बालों में से जुएं निकाल रहे थे। अंकल, आप आदमी हैं या बंदर? मोहब्बत में आदमी बंदर जैसा हो जाता है बेटा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया।
चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। यार बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए।